ओके का मतलब ऑफ का मतलब बनता है, लाभ का बताया है, मास का बताया, कंजर्वेशन का भी आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ, सही है। तो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्व का मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब है सेम, क्या सेम। अब हम पढ़ते हैं, पहले पहले जो केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट आए बहुत से, उन्होंने बताया, जो केमिस्ट होते हैं उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है, सही है। पहले तो हमें नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया, जो लिवोइजर साइंटिस्ट थे, ये बड़े मशहूर और साइंटिस्ट थे, और वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ओके। उन्होंने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटी हमें मिलती है, अगर जो रिएक्टेंट है वो हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या उन्होंने बताया कि जो रिएक्टेंट है वो हमेशा प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, सही है। क्या बताया कि रिएक्टेंट, जो ये रिएक्टेंट है वो, ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे, उन्होंने ये चीज बताई, हमने भी समझ ली, पर अब हम ठीक तरीके से समझते हैं उन्होंने किया कैसे। एक्चुअली लिवोइजर ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ताकि वो समझा सके कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने क्या किया, एक क्लोज सिस्टम एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ। पहले तो हमें समझ में नहीं आएगा जब तक मैं पढ़ाती नहीं हूँ, तो लिखा हुआ है क्लोज सिस्टम एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या, एक्चुअली उसने एक्सपेरिमेंट जो किए वो एनवायरमेंट में पहले किया, फिर उसने देखा कि थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। कैसे, क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट बहुत सी गैसेस हैं, अब हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसने एक क्लोज सिस्टम रखा, जस्ट लाइक अ रूम हम कहते हैं, पर उसमें थोड़े थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर ना आ सके, जरा सी भी एयर ना आ सके, क्लोज सिस्टम था। उसने उस क्लोज सिस्टम में क्या रिएक्शंस परफॉर्म किए। अब क्लोज सिस्टम में उसने क्या किया, रिएक्शंस कुछ किए, उन्होंने कुछ रिएक्टेंट लिए, क्या लिए, रिएक्टेंट लिए, और रिएक्शन करवाया, उन्हें प्रोडक्ट मिला। से रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो इसी तरह उन्होंने जब रिएक्टेंट्स के रिएक्शन करवाए तो उन्हें प्रोडक्ट मिल पाया, पर उन्होंने देखा कि मैंने जो रिएक्शन लिए थे, एग्जाम्पल देती हूँ, उन्होंने जो रिएक्शन में था उनका मास, जब मास जो था वो था 10, सही है, 10 ग्राम से कुछ भी रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि रिएक्टेंट का जो मास था वो 10 ग्राम था, क्या था, 10 ग्राम था। जब रिएक्शन हो गया, बिल्कुल उन्होंने क्लोज सिस्टम में जब उसका कैलकुलेशन की, तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट हमें मिला उसका भी मास सेम है। कंफ्यूजन हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम, डिफिकल्टी, समझ नहीं आया भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम कैसे हुए। लिवोइजर ने फिर बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन्होंने बहुत, जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने मिला, उसे क्या मिला, उसे ये पता चला कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर, रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट। अब उसने एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दी, कहा कि इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में द इनिशियल वेट, जो फर्स्ट वेट होता है स्टार्टिंग मटेरियल, द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल वेट। सही, इनिशियल हम कहते हैं रिएक्टेंट को और फाइनल वेट हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो उसने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इनिशियल वेट है, क्या, जो इनिशियल वेट है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, फाइनल वेट के। अब उसने बताया कि एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में द इनिशियल वेट, स्टार्टिंग जो वेट होता है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा फाइनल वेट यानी प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। उन्होंने ये डेफिनेशन
पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि लुवाइजर ने कहा है कि जो रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा प्रोडक्ट बराबर होंगे। सर पूरी दुनिया में ये बात फैल गई। अब हुआ क्या, अब इनके अगेंस्ट एक साइंटिस्ट थे, वो बोलते थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम कहते हो कि ये बराबर है पर मैं कैसे मानूं। उसने कहा कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूंगा ताकि मैं लुवाइजर को गलत कर सकूं। बस उसके दिमाग में यही था कि लुवाइजर उसका जैसे बड़ा दुश्मन ही हो, जानी दुश्मन था ऐसे समझो। उसने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि जो रिएक्टेंट हो वो प्रोडक्ट के बराबर ना हो। क्या हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर ना हो, उसने ये कहा। अब लुवाइजर को चैलेंज करना भी मुश्किल था। अब उसने किया एच लैंडॉल, हेनरी लैंडॉल। अब लुवाइजर की जो अगेंस्ट था वो था हेनरी लैंडॉल, सही है। अब हेनरी लैंडॉल ने क्या किया, उसने कहा कि मुझे लुवाइजर को गलत करना है, कुछ भी करके गलत करना है, हाँ करना है। उसने ऐसा सोचा, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, पर बेचारे की बदनसीबी क्या थी कि लुवाइजर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 100% राइट था, सही था, क्योंकि लुवाइजर ने बात सच की। उसने कहा कि जो रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होंगे। क्या, रिएक्टेंट जो होंगे वो हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होंगे, उन्होंने बात कर दी। अब हेनरी लैंडॉल ने 15 एक्सपेरिमेंट्स किए। देखिए हम 2-3 करते थक जाते हैं, कहते छोड़ो नहीं करना हमें, बाहर में जाए, पर इसने कहा कि मुझे लुवाइजर को गलत करना है। इसने 15 पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए, पर हर एक्सपेरिमेंट ये गवाही दे रहा था कि लैंडॉल तुम गलत हो, लुवाइजर सही है, रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसमें जो ज्यादा इसका जो पॉपुलर एक्सपेरिमेंट गया था वो एच क्यूब वाला था, सही है। उसने एच क्यूब वाला एक्सपेरिमेंट हमें बताया भी था ताकि मैंने ये किया, पर ये लुवाइजर के बराबर था, उसने ये भी पूरी दुनिया में बात बता दी। उसने क्या किया, उसने एक एच क्यूब ली, सही है, एच क्यूब ली। इसने क्या किया, इस साइड जो है वो HCl लगा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरफ लगा दिया, HNO3 सिल्वर नाइट्रेट इस तरफ लगा दिया। उसने क्या किया, एच क्यूब ली, एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट, एक तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसने इन दोनों का क्या किया, वेट किया, सही। उसने देखा कि इन दोनों का वेट जो भी हो आप समझ लें 5, क्या 5 था, सही। उसने कहा 5 कर दिया, सही, ये दोनों 5 थे। अब उसने इस ट्यूब को यहाँ से उठाकर शेक किया, टक 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 शेक किया, क्या शेक किया। जब इस पूरी बॉटल को उठा के इस ट्यूब को शेक करके फिर रखा, और इसने जब कैलकुलेट किया मास दोनों का, फिर भी 5 था, फिर भी क्या था, 5 था। तो उसको समझ गया कि जो रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा जो रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा प्रोडक्ट के बराबर, सही है, सिंपल था। उसने कहा कि जब मैंने पहले देखा तो भी 5 था, जब मैंने रिएक्शन करवा के देखा फिर भी क्या था, 5 था। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट दोनों मिल गए होंगे, या HCl होगा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा या फिर सिल्वर नाइट्रेट, दोनों मिल गए तभी भी क्या था, 5 था। उसने कहा कि लुवाइजर सही है। उसने ये भी बात पूरी दुनिया में फैल गई कि जो हेनरी लैंडॉल साइंटिस्ट है उसने कहा कि मैंने 15 एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो सब इसकी गवाही देते कि लुवाइजर ठीक है, यानी रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट, सही है। सिंपल ये बात समझ आ गई। तो ये जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिर्फ इतना था, सिंपल, बहुत सिंपल। एक और बता दूं, देखिए मास जो है वो ना ही हम बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते, खत्म कर सकते हैं, सही है। क्या, मास को हम नहीं बना सकते, सही, मास को हम नहीं बना सकते और ना ही खराब कर सकते। मास इंग्लिश में अब कहा जाए तो ऐसे कहा जाता है, कहता है मास इज नीदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। मास ना ही बनता है ना
ही खत्म होता है। सिंपल, क्या मास ना ही बनता है ना ही खत्म होता है। मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। समझे? अब सिंपल था, समझ आ गया। हेनरी का लिवाइजर ने क्या कहा, सब बराबर होते हैं। तो अगर आप लोगों को ठीक, बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आ गया तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस ला सकूं और आपको ठीक तरीके से समझा सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।